वाले सतीश यादव से तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा बंजरहा बंधे पर 93,372 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में चिरुवाताल थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। क्राइम ब्रांच और मुखबिर की सूचना पर क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज के नेतृत्व में चिलुवाताल थाने की पुलिस ने घटना में शामिल दो अभियुक्तों को जगतबेला अंडर बाईपास के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के पास से लूट की घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 40,000 रुपये नकद, एक अदद पिस्टल, 32 बोर जिंदा कारतूस व एक अदद कट्टा, 315 बोर जिंदा कारतूस को भी आरोपियों के पास से बरामद किया। इसके अलावा तो एक जो है दुकान करना बनाता है और एक जो है खाली उसके पीछे जो लीजिए कम लीजिए इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया। हम जानते हैं 11 तारीख को तकरीबन 12:30 बजे एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट के साथ 93,000 की लूट हुई थी। उनमें से दो अभियुक्तों को पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और घटना में प्रयुक्त पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और नकद 40,000 रुपये जो है बरामद हुए हैं। क्या है इससे पहले भी किसी घटना में नहीं आपराधिक इतिहास अभी एक का पता लगा है, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये राजघाट थाने से जो है 419-20 के मुकदमे में विपिन मौर्य है शायद जेल गया था। उसके अतिरिक्त जो दूसरा है इनके बारे में छानबीन की जा रही है। लूट के पैसों का क्या करते थे? नहीं, लूट के पैसे का जाहिर सी बात है कि अपने में उपयोग करने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश